आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हम जानेंगे कि जनता का चुनावी मूड क्या है, आखिर सत्ता में किसको बैठाना चाहती है जनता, जिसके लिए हमारे संवाददाता जा रहे हर क्षेत्र में और जान रहे हैं जनता की राय। तो आपको दिखाते हैं प्राइम पब्लिक और सरकार में जनता की क्या है इस बार विधानसभा 2022 की चुनाव को लेकर राय। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। प्राइम टीवी की इस समय टीम जो है वो ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर कस्बे में मौजूद है। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जो है शमशान कब्रिस्तान जिन्ना से होते हुए टोपी पर आकर रुक गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। क्या पर्चे है आपका? राकेश सिंह राणा, जिला पंचायत सदस्य हूँ यहाँ का। चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियाँ लोक लुभावने वादों के साथ मैदान में हैं, तो ऊंचाहार विधानसभा की बार क्या रंग खिलाएगी? मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छल और स्थानीय विधायक द्वारा जगतपुर ब्लॉक को विकास से न जोड़ना, लोगों का मत कांग्रेस की ओर जाएगा। दो पंचवर्षीय से ऊंचाहार के विधायक हैं, तो क्या कमी रह गई इनसे कि अब की बार ऊंचाहार की विधानसभा की जनता इनसे नाराज है? अब पूरी विधानसभा की तो बात मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं तो एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हूं। तो मुझको लगता है कि जो जगतपुर का विकास होना चाहिए था बीते 20 सालों में 30 सालों में, वो विकास से हमारा क्षेत्र बहुत अछूता है। आप अभी हमारे गंगा कटरी क्षेत्र में चले जाइए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम रायवेली में हैं। आप ये सड़क सामने देखिए, आप दिखाइए अपने कैमरामैन से, कहती है सड़क दिखाएं। आप देखिए, ये सड़क की बात कर रहे हैं, आप ये सड़क देखिए, ये सड़क पूरी तरह से टूट के गड्ढे में मिल चुकी है, जबकि कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं यहाँ के विधायक, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी ज़रूर है। और इसके बारे में जो है यहाँ की क्षेत्रीय जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश तो है विधायक के प्रति। ये सड़क अभी 6 महीने तक अच्छी थी और ये जगतपुर का मुख्य व्यापारिक मार्ग है। आप जैसा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी के बेटे की ससुराल 6 किलोमीटर बाद पिछवाड़ा में है। उनके बेटे की ससुराल शादी में सड़क पूरी PWD ने आनन फानन में तोड़ दी और उसके बाद कुछ दूर बनाई और बाद में जब बारात हो गई तो सड़क बनाना बंद हो गया। आप समझिए, बरसात में और आज की डेट में अगर आप 1 घंटे यहाँ बैठ जाएँ तो इसमें 100 ग्राम धूल आप ज़रूर खा लेंगे और कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने DM को एप्लीकेशन दिया, मैंने ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी को कई बार कहा, डिप्टी CM तक को कहा, लेकिन रोज यही आश्वासन का झुंझुना हम लोगों को मिलता है। और हमारे स्थानीय विधायक को ये समस्या उठानी चाहिए जो उन्होंने नहीं उठाई, क्योंकि ये पीड़ा है हम लोगों की, ये पूरे जगतपुर के व्यापारियों की पीड़ा इस समय। और इस समय कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जो धूल धूसर इतना हो। और लोग तो पार्टी से नाराजगी है कि विधायक से नाराजगी है? मेरा ये मानना है कि 2 बार से समाजवादी के लोगों को मौका दिया, इससे पहले बसपा को लोगों ने यहाँ के मौका दिया, बीच में एक बार कांग्रेस को भी मौका दिया। तो ये इस विधानसभा का ट्रेंड है बदल बदल के, और इस बार मुझको लगता है कि बदलाव होगा और निश्चित रूप से बदलाव हम लोगों के पक्ष में जाएगा, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी से जहाँ परेशान हैं, क्यों न किसान पर खुशहाल है। आज खाद नहीं है, 80% बुआई हो गई, ब्लैक मार्केटिंग में चल रही है। जो खाद के प्राइवेट दुकानदार हैं, जिन्होंने लाइसेंस होल्डर है, जिनको सरकार ने खाद बेचने का लाइसेंस दे रखा है, उनको एक बोरी भी खाद नहीं दी इन्होंने। उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है अब की बार? सरकार जिसकी बनेगी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। मुझको तो लगता है कि जो प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को वादे किए हैं, महिलाओं को अधिकार को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है, आधी आबादी पूरी तरह से कांग्रेस को वोट देगी, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो, तीनों अधिकारों को लेकर के गोरखपुर से लेकर के हाथरस में किसानों को जिस तरह रौंदा गया, शाहजहानपुर में उन्नाव की बेटी के लिए जिस तरह से प्रियंका गांधी एक दीवार की तरह महिलाओं के लिए लड़ रही हैं,
आने वाला कल निश्चित रूप से बदलाव लेके आएगा। और ये आधी आबादी जो है 50% को सब जगह उपेक्षित है, और उस बदलाव की बयार में जैसे विरोधी कहते हैं कि प्रियंका जी की जहां सरकार है वहां क्यों नहीं करके दिखाती। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, बीजेपी तो कह रहे कि रायबरेली कांग्रेस से मुक्त हो चुकी है। बीजेपी का जुमला है ये, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। आपके दोनों विधायक कांग्रेस से बागी हो चुके हैं। विधायक बागी हो सकता है लेकिन कार्यकर्ता बागी नहीं होता, और कार्यकर्ता ही विधायक बनाता है। कांग्रेस को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पर है कि वर्तमान विधायक की कार्यशैली से लोग नाराज। हमारे साथ कुछ और साथी आइए, जानते हैं इनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? सर चंद्रसेन सिंह नाम मेरा। सर चुनाव आ चुके हैं तो उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है आपकी बात? कांग्रेस बनेगी सर। सरकार कांग्रेस बना रही है? हम लोग सर विकास पर राजनीति करते हैं सर। कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? सर अब ये तो सर आंकड़ा है नहीं भैया, हमारे जानते हैं कोई। समाजवादी पार्टी तो कह रही सरकार हम बना रहे हैं। अरे सर कहने वाली बात सर, बीजेपी से सब लोग सर त्रस्त हैं। बीजेपी तो सर व्यापारी भी त्रस्त है, उससे किसान भी त्रस्त है, क्योंकि सर इतने जानवर खुले घूम रहे हैं सर, हम लोगों को बहुत नुकसान है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि लाल टोपी खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के यहाँ पर जो है वो समर्थक कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने विकास नहीं किया है, चाहे सड़कें हों। हमारे साथ और भी क्षेत्र के निवासी हैं, ये जानते हैं उनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? सीताराम जगतपुर, व्यापारी। चुनाव आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश में ऊंचा हाल अब की बार जो है क्या गुल खिलाएगा, सरकार कौन बनाएगा? अब ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से। योगी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं कहा नहीं जा सकता, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, दोनों चीजें हैं। नहीं क्यों नहीं आ सकते हैं? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने फ्री राशन दिया, उज्ज्वला गैस दिया है। वो कह रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन किसान कितना परेशान ये तो नहीं ध्यान दे रहे हैं। किसान हर तरह से परेशान है, चारों तरफ से परेशान, ना खाद मिल रहा है ना बीज मिल रहा है, तो किसान क्या करे, जानवर से अलग से परेशान है। खाद न मिलना, बीज न मिलना, और सबसे बड़ी समस्या जो क्षेत्र की है वो जानवरों का छुट्टा, जानवर जो खेती में नुकसान करे। हमारे साथ एक साथी और हैं, ये जानते हैं इनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? श्री विशाल तिवारी। चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं, तो उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है? पता नहीं, हम बता नहीं पाएंगे कौन बना रहा है। योगी बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अभी जनता जाने, अब जिसका वो तो रिजल्ट आए बताएगा ना, हमारे कहने से थोड़ी होगा। जनता की क्या है? अब हम अपना मत जहां होगा वहां मत, आप अपना मत बताइए। अब हम अपना जहां मतदान करना होगा वहां कर देंगे, अब हम अपना क्या बताएं? जानते सब है, बताना नहीं चाह रहे। हमारे साथ एक साथी और है, आइए जानते हैं इनकी क्या है। क्या परिचय है आपका? तेजभान सिंह। चुनाव आ चुके हैं तो सरकार कौन बना रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश की? वो तो दोबारा वही बनेगी जो हिंदू हित की बात करेगा। बीजेपी तो कह, समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं जो खोदे खाई वही है असली भाजपाई। ये तो गलत कह रहे हैं भाई, जैसे इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हर नेता का हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, तो हम पूछना चाहते हैं क्या अखिलेश यादव का दोबारा जन्मदिन मनाया गया शासन जाने के बाद? तो क्या सरकारी पैसे से जन्मदिन मनाया जाता था? और यही महसूस हो रहा है। योगी बाबा कहते थे तो कह रहे हैं कि जब भर्तियां निकलती थी तो समाजवादी लोग झोला लेके निकल पड़ते थे अलग अलग क्षेत्रों में। सही है, सही बात है। तो आपकी क्या राय है कि सरकार योगी बाबा बना रहे हैं? बना रहे हैं। विपक्ष कह रहा बहुत महंगाई है, बड़ी बेरोजगारी है, आवारा जानवर से किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है। कितना विकास हुआ, कोई साइकिल से चलना दिखाई देता है आपको? सभी तो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, विकास नहीं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। हरचलपुर विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के ऊंचा हार विधानसभा की जनता का मूड जानने के लिए प्राइम टीवी अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ यहां पर कुछ साथी हैं, युवा साथी भी हैं, आइए जानते हैं कि ऊंचा हार की विधानसभा अब की बार प्रदेश में किसकी सरकार बनवाने जा रही है। क्या परिचय है आपका? संजय सिंह। संजय जी चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं लोक लुभावन वादों के साथ, तो अब की बार उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बनेगी भैया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जो खोदे खाए वही भाजपाई। वो कुछ नहीं, वो दंगा वाली पार्टी है। विपक्ष तो कह रहा बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, गुंडे का। हाँ विपक्ष तो कह रहा बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। तो है ही है, वो तो है ही है, वो समस्या है, लेकिन वो उनकी सरकार में नहीं रहती क्या? उनकी सरकार में भी रहती है, ये तो है नहीं कि उनकी सरकार में सब रोजगार ही पा जाते हैं। योगी सरकार की क्या अच्छाइयाँ हैं?
योगी सरकार के है, शासन बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब कमी तो सब में हो जाती है, बराबर तो है नहीं कि सब बराबर रहेगा। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को ही सराहा जा रहा है ऊंचा हार विधानसभा। हमारे साथ एक साथी और आइए, जानते इनकी क्या है, क्या परिचय है आपका? राम लोटन चौरसिया। चुनाव आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की। भाजपा की बन रही है। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं। अरे वो समस्या तो बनी है, उसके विषय में क्या कह सकते हैं। फिर भी आप योगी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ। क्या कारण है? अरे कारण क्या, शासन अच्छा है। शासन अच्छा है, कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था भी ठीक है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को सराह रहे हैं यहाँ के लोग। हमारे साथ एक साथी और आइए, जानते हैं इनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? अनिल शुक्ला। अनिल जी, चुनाव आ गए हैं तो ऊंचा हार की विधानसभा जो है आपकी बार क्या रंग दिखाएगी? बीजेपी इज बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट। आपकी विधानसभा से तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी जीता ही नहीं। वो ठीक है, मतलब हमारा विधायक मनोज पांडे ठीक है, तो विधायक जो हमारा है सपा से मनोज पांडे जी, वो बेटर है, बहुत अच्छा काम करते हैं। बट लेकिन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बीजेपी इज बेटर। नहीं तो क्या वर्तमान विधायक की सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, मनोज पांडे हमारे लिए ठीक है। वर्तमान विधायक गड़बड़ इसलिए, आप 2012 से 17 के बीच में देख लीजिए, कैबिनेट मंत्री थे, वो केवल लूट खसोट दलाली फलाना ढमाका, जाके ऊंचा हार में देखिए कितनी जमीन कब्जिया लिए हैं। 21 दलित परिवारों पे जमीन के कब्जे का आरोप भी लगा है। जी सर जी। तो क्या ऊंचा हार जगतपुर कस्बे में जो ऊंचा हार विधानसभा बार 2017 से 22 के बीच में उन्होंने कुछ नहीं करा पाए, और जो 2012 से 17 के बीच में कराए थे, तहसील थाना फलाना ढमाका सब जगह से वसूली की, और आदमियों की जो है गरीब आदमियों की जमीन उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है। अवैध तरीके से कब्जा किया, हालांकि उस मामले में शासन ने भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, और नाराजगी जो है कहीं ना कहीं वो सपा विधायक मनोज पांडे को लेकर है, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक है। हमारे साथ एक साथी और आइए, जानते हैं इनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? उत्कर्ष का नाम है। उत्कर्ष जी, चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल मैदान में है, तो ऊंचा हार विधानसभा की जनता आपकी बार किसको मुख्यमंत्री बना रही है? सर मैं तो रायबली से हूँ, और मुझे लग रहा है जहाँ तक आदित्य सिंह भी बीजेपी में आ गए हैं, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी ही बनेगी। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे आरोप लगाने से थोड़ा ना होता है, और शेर के पालने के लिए महंगाई तो महंगी चीज तो होना जरूरी भी है। शेर पालने के लिए महंगी चीज होती है और क्या। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो खोदे खाई वही है असली भाजपाई। अरे उनको लाल टोपी से मतलब है और लाल बत्ती से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। लाल टोपी से मतलब है, लाल बत्ती से मतलब। हमारे साथ एक साथी और है, आइए जानते हैं यही है विधानसभा के इनकी क्या राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। चुनाव आ गए हैं तो सरकार कौन बना रहा है उत्तर प्रदेश? सरकार के हिसाब से जो लग रहा है वो बीजेपी को लग रहा है, लेकिन बीजेपी आप कह रहे हैं शकील भाई बीजेपी बन रहा है। बताओ ना भाई, हम एक हैं यहाँ अनेक हैं, तो जो अनेक है वो बेटर है ना। तो विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार धर्म पे भेदभाव कर रही है। महंगाई के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, गैस सिलेंडर 1000 में हो चुका है, जो अपने घरेलू जितने चीज़ें हैं सब महंगी हो गई हैं, इसलिए हमें सरकार को, मैं इस सरकार को पसंद नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं पर्सनल जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार को आप पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ महंगाई है। अभी देखिए आप, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल जो हमारे किसान की ज़रूरत है, सब चीज़ महंगी है, समझिए। इसलिए मैं कहूँगा इस बात को कि ये सरकार ठीक नहीं थी, लेकिन ये आपका सबसे मेन तो ये कलयुग है, कलयुग में बुरा ही हावी रहेगी। कलयुग में बुरा ही हावी रहा है। ऊंचा हार विधानसभा के जगतपुर कस्बे के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है, कहीं ना कहीं जो है अपराध पे सराहा भी गया है योगी सरकार को, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा भी गया है। प्राइम टीवी अब ऊंचा हार विधानसभा की जनता का मूड जानने के लिए अपने अगले पड़ाव पर जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022, प्राइम टीवी की टीम इस समय ऊंचा हार विधानसभा के विश्वनाथगंज कस्बे में मौजूद है। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि ऊंचा हार की विधानसभा अब की बार जो है किसकी सरकार बनवा रही है। क्या परिचय है आपका? मैं भैया सुल्तानपुर जनौली से लाखन सिंह बोल रहा हूं, प्रधान प्रतिनिधि। मेरी ग्राम सभा सुल्तानपुर जनौली है। चुनाव आ चुके हैं प्रधान जी, सभी पार्टियाँ मैदान में हैं, तो अब की बार ऊंचा हार विधानसभा की ऊंचा हार विधानसभा जो है किसको मुख्यमंत्री बना रहा है? हमारे यहाँ से जो भी जनता की आवाज़ आ रही है, जनता की आवाज़ के हिसाब से मोदी ही का ही फैक्टर चलेगा, और योगी प्रधान माने मुख्यमंत्री योगी बनेंगे।
प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि लाल टोपी खतरे की घंटी है। लाल टोपी खतरे की घंटी नहीं है, लाल टोपी का कहीं कोई वो नहीं है, वो केवल जातिवाद पर आधारित है, लाल टोपी वाले कहीं भी नहीं है। और विपक्ष कह रहा बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान बहुत परेशान है, तो इसको लेकर आप कहाँ तक देख रहे हैं? विपक्ष केवल किसान की परेशानी छुट्टा जानवरों को लेकर जो है उस टंच कस रही है, उस पर सरकार ठोस कदम उठाने के प्रयास में है और सरकार ठोस कदम उठाएगी और धीरे धीरे ये सारे जानवर कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था होती रहेगी, हर गांव में व्यवस्था। अच्छा प्रधान जी बताइए, ऊंचा हार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई प्रत्याशी क्यों नहीं जीता है? ऊंचा हार विधानसभा से भारतीय जनता प्रत्याशी का पार्टी का प्रत्याशी इसलिए लोग माने नहीं जीत पा रहा है क्योंकि माने पहले और अब में काफ़ी जो है लोगों में वो है हैं जातवाद के तहत जो है थोड़ा सा जातवाद जातगत वोट जो है कुछ दूसरी पार्टियों को भिन्न है, लेकिन अब की बार सब लोग एक मत से एक मूड बना के जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे और जीतेगी भारतीय जनता। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, लोग ये कह रहे हैं उच्चाहार विधानसभा की कि दो पंचवर्षीय से लगातार समाजवादी पार्टी का इस विधानसभा पे कब्जा है, तो वर्तमान विधायक से नाराजगी है, बदलना चाहते हैं या कोई नाराजगी है? नहीं, दो बार से तो मैं मानता हूँ कि दो बार से सपा जो है यहाँ पर जो है मनोज पांडे जी मंत्री के पद पर भी रहे और विधायक भी हमारे यहाँ से रहे, लेकिन इस बार जो है मैंने लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि अब की बार इनको उखाड़ फेंकना है और भाजपा की सरकार बनाना है। क्या कारण है कि अब की बार मनोज पांडे को उखाड़ इनका जो है थोड़ा सा कुछ माने कुछ व्यक्तिगत लोगों पर जो है ज़्यादा वो रहता है, हमारे यहाँ जो है जैसे हमारी ग्राम सभा से व्यक्तिगत तौर पे जो है लोगों को जो है प्रोत्साहन देना ये सब कार्य इनके थोड़ा ज़्यादा हैं। व्यक्तिगत कारणों से नाराजगी है वर्तमान विधायक से, हमारे साथ कुछ और साथी हैं यहाँ पर, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। सर क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अरुणेश सिंह है, मैं कांग्रेस पार्टी में गौरा ब्लॉक में गौरा हरदो का न्याय पंचायत अध्यक्ष हूँ। राय भी तो कांग्रेस मुक्त हो चुकी है? नहीं, ये आपकी सोच है। दोनों पार्टी दोनों विधायक आपके बागी हो चुके हैं? हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं टिकी हुई है। आपने कहा कि दोनों प्रत्याशी बागी हो चुके हैं, अगर उनके अंदर दम होती तो आज से दो साल तीन साल पहले हमारी पार्टी को छोड़ के दोबारा चुनाव लड़ने में कि उनको हैसियत होती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। चूंकि अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव में चूंकि समय भी नहीं बचा हुआ है, अगर ऐसा उनको करना था तो ये एक साल छः महीने पहले करते, तो मैं उनकी दमबाजी को देखता कि हाँ इनके अंदर दमबाजी ये बगैर कांग्रेस के चुनाव जीते। क्या कांग्रेस संगठन में कोई कमी है कि आपके टिकट पर चुनाव जीतते हैं उसके बाद पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं? नहीं नहीं, कांग्रेस संगठन में कोई कमी नहीं है, कुछ लोग अपने व्यक्ति विशेष स्वार्थों को आगे रख के ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की हम लोग घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और आप देखना जिस प्रकार से पूरी भीड़ प्रियंका जी की मीटिंगों में इकट्ठा हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। और योगी सरकार से क्या नाराजगी है आपकी? योगी सरकार की नाराजगी आप देख ही रहे हैं कि हमको खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही है, जानवरों की क्या व्यवस्था है। अब जो पूंजीपति है उनके लिए तो जानवर या खाद कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग किसान हैं, रात रात में जागते हैं। जैसे योगी जी ने कहा था मोदी जी ने कि हमने नौकरी सबको दे दी, तो वाकई में उन्होंने नौकरी दी है जानवरों को ताकने की। हम लोग खेतों में जाते हैं, जानवरों की वजह से हमको इतनी दिक्कत होती है कि वो हम लोग उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सरकार तो कह रही है कि हमने माफियाओं को जेल में डाल दिया, गड्ढा मुक्त सड़कें दी, उज्ज्वला योजना दिया और मुफ्त का राशन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार से क्या नाराजगी है? हम लोग मुफ्त की नहीं खाना चाहते, हम मेहनत करके खाना चाहते हैं, हमको रोजगार चाहिए। हमको हमारे रायबली जिले में, अगर मैं आपके रायबली जिले की बात करूँ तो हमारे रायबली जिले में आज 7 साल 8 साल हो रहे हैं केंद्र की सरकार को और 5 साल राज्य की सरकार को, एक भी फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया गया है। एम्स हमारा 900 बेड का अस्पताल था जिसको कि यहाँ से 300 बेड का गोरखपुर के को भेज दिया गया और वहाँ का एम्स चालू हो गया, अभी हमारा एम्स भी नहीं चालू हुआ। तो इनकी सरकार है तो ये गन्ना मिल थी वो भी बंद कर दिया गया, जो ITI उसकी दुर्दशा आप देख ही रहे हैं और सारी जो फैक्ट्री हैं यहाँ। कहीं ना कहीं बंद उद्योग और आवारा जानवरों को लेकर नाराजगी है सरकार के प्रति। हमारे साथ एक बुजुर्ग दादा हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। दादा क्या परिचय है आपका? हम सुल्तानपुर जनावली के निवासी हैं, मेरा नाम गायबक सिंह है। चुनाव आ गए हैं दादा, सभी पार्टी मैदान में, प्रियंका गांधी कह रहे हैं एक एक स्कूटी देंगे,
देखिए ये सब बेकार की बातें हैं, प्रियंका गांधी किसी गांधी की, यहाँ पर सपा और कांग्रेस का ये है कि लोकसभा में हमको वोट दीजिए, विधानसभा में हम तुमको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है बाबा? अरे भाजपा की बनेगी, योगी आएगा। केवल एक बात है, वो छुट्टा जानवरों की बात है, बाकी योगी का सारा काम सही। छुट्टा जानवरों को लेकर नाराजगी, हमारे साथ कुछ और साथी यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। और जो है सरकार तो भाजपा की बनेगी, रह गई ये जो थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं छुट्टा जानवर, इनके लिए सरकार भी व्यवस्था कर रही है, हर ग्राम पंचायत स्तर पे वो अपनी व्यवस्था करने जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो खोदे खाई वही है असली भाजपाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहना और समाज में आके जनता के बीच में अपनी राय और बात को जानना एक अच्छी बात होती है, लेकिन अखिलेश और उनका ये मुद्दा भी बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही निंदनीय मुद्दा है, कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। हमारे साथ एक साथी और है, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। सर क्या परिचय है आपका? मैं भूपेंद्र सिंह, रामनगर से। चुनाव आ गए हैं, सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं, तो ऊंचा हार विधानसभा आपकी बार क्या गुल खिलाएगा? ऊंचा हार विधानसभा आपकी बार कुछ उल्टा ही करेगा जो लोगों को पता नहीं है। क्या करेगा ये मतदाता अपना करेगा और क्या बताएगा किसी को क्या हम क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश में की सरकार कांग्रेस की भी आ सकती है, सपा की भी आ सकती है। रायबरेली में तो कांग्रेस मुक्त हो गई है, आपके विधायक तो छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, रायबरेली कांग्रेस में है, वो पहले भी था, आज भी है और रहेगा। क्या कारण है कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए ये तो राजनीतिकरण है, लोग अपना बचाव करने के लिए जो उल्टा सीधा काम किए इसके चले सरकार में शामिल हो रहे हैं। उल्टा सीधा काम कहीं ना कहीं जो है मिली जुली प्रतिक्रिया आई है ऊंचा हार विधानसभा के लोगों पर, महंगाई के और आवारा जानवरों को लेकर सरकार पर घेरा गया है, लेकिन जो है उज्ज्वला गैस और माफिया पर कार्रवाई को लेकर अपने अगले पड़ाव पर जा रही है ऊंचा हार विधानसभा की जनता का मूड जानने के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। हम देवरिया जनपद के सुभाष चौक पे मौजूद हैं, यहाँ पर सदर विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी पटरी व्यवसायियों का हालचाल ले रहे हैं, उनका औचक निरीक्षण कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि पटरी व्यवसायियों के लिए वो क्या करेंगे। पटरी व्यवसायियों के लिए क्या है? पटरी व्यवसायियों के लिए तो हम अपने हमारी सरकार की योजना स्वनिधि योजना उसके तहत हम लोगों ने उनको लोन भी दिया है और इनका जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे अच्छे ढंग से स्थापित हो, इस बारे में हम काम कर रहे हैं। इनके स्वास्थ्य के विषय में, इनके शिक्षा के विषय में, इनके रोजगार के विषय में हम निरंतर चिंतित रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इनकी चिंता करते हैं कि इनका जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे इनका भविष्य सुधरे। विधायक जी आप यहाँ अमरूद खा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है, सभी पटरी व्यवसायियों से मिलते हैं, इनका हाल चाल लेते हैं, इसी बहाने हम इनके साथ खड़े होते हैं और सारे लोग हमसे प्रेम से मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, हम उससे अवगत होते हैं, उसका समाधान करते हैं। जैसा कि सदर विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि मैं निरंतर यहाँ लगातार आता रहता हूँ और इन लोगों की समस्या को जानने की कोशिश करता हूँ और मैं इनसे जानूंगा कि क्या आने वाले भविष्य में इनके लिए आप क्या बेहतर करेंगे। इनका अस्तित्व हो और मैंने बताया कि इनका रोजगार और बेहतर कैसे चले और सरकार से जितनी भी सहायता इनको उपलब्ध हो सकती है सब करवाएंगे और इनके लिए एक छत हो इसकी व्यवस्था भी कराने की मैं सोच रहा हूँ। 2022 का चुनाव का नज़दीक आ चुका है, वैसे में आपकी सरकार की क्या योजना है? हमारी योजना कोई एक दिन की होती नहीं है, हमारी सरकार जब चुनी गई 5 साल पहले तभी से हम सबके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इसको लेकर चलती है हमारी सरकार और हमारे अचानक योजना नहीं बनती, एक क्रमबद्ध योजना बनती है जिससे फिर बाद में उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो या उसको लागू करने में कोई दिक्कत ना हो और सबको उसका लाभ मिले हमारी योजनाओं का, ये हमारी सरकार करती है। दुकान से विधायक जी अमरूद खा रहे हैं। जी सर, यहाँ हमेशा आते रहते हैं। जी हम लोग जो है बहुत पहले से जानते हैं, जिस समय स्कूल में जो है डॉक्टर साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय से हम लोग जानते हैं और हम लोग का पूरे भागीदारी है, इनके प्रति जो है हम लोग सहयोग करते हैं और हमारे लिए अच्छे विधायक जी हैं, हम लोग का जो है देख रेख करते हैं। हम यही चाहते हैं कि 2022 में जो है
एकदम टंका के चोट पर हम लोग पटरी व्यवसायी हम लोग भाजपा का समर्थन करेंगे। और रह गया ये सवाल, हम लोग गरीब आदमी हम लोग के छत के लिए और हम लोग के दुकानदारी के लिए कहीं हम लोग का जो है अस्थायी रूप से जगह अगर मिल जाए वो बहुत अच्छा होगा। माननीय विधायक जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रभुनाथ वर्मा है, मैं जिला फुटपाथ पटरी व्यवसायी सेवा समिति के संरक्षक अध्यक्ष भी हुआ करता था, आज संरक्षक हूँ। हमें चाहिए केवल हम लोग का जगह चाहिए जहाँ पर अस्थायी रूप से हम लोग अपनी दुकानदारी कर सके। सामने विधायक जी खड़े हैं जी, उनसे भी हम जानेंगे क्या आपकी बात को अपने स्तर तक पहुँचाएंगे क्या विधायक जी। ये तो मैंने स्थायी होनी चाहिए, ये तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि इनकी छत हो, इसके बारे में हम चिंतित हैं। इनका रोजगार अच्छे से चले, इनके परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, इनके पास अच्छा आवास हो, शौचालय हो, जो हमारी सरकार करती है उससे उस सुविधा को प्राप्त भी किए होंगे लोग, जो जिनको नहीं मिला होगा उनको मिलेगा, और इनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सदर विधायक सत प्रकाश मोहित त्रिपाठी ने बताया कि 2022 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, फिर इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और मैं पटरी व्यवसायियों का हमेशा हालचाल लेता रहता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ। प्राइम टीवी के साथ रवि रावत देवरिया। तो आपने जाना जनता का चुनावी मूड क्या है। कुछ लोग तो सत्ता को दोहराना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग चाहते हैं बदलाव। तो आखिर जनता आखिर में क्या निर्णय लेगी? जनता सरकार का काम देखते हुए फिर से सत्ता में सरकार को ही लाएगी या बनाएगी नई सरकार? कुछ भी आंकड़े हो वो आएंगे चुनाव के बाद। उससे पहले क्या है जनता का चुनावी मूड, ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।